दोस्तों आज हम उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ से लगभग 54 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना साल 1986 में कस्तूरी मृग यानी मॉस्कस ल्यूकोगास्टर के संरक्षण के लिए की गई है, इसलिए इसे मस्क डियर पार्क के नाम से भी जानते हैं। मस्क डियर के अलावा यहाँ हिम तेंदुए, हिमालयी काले भालू, कस्तूरी हिरण, तहर, भरल, चायर, कोक्लास, फेशियंस और चूकर्स भी पाए जाते हैं। यहाँ करीब पौधों की 2600 प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा यह अभयारण्य जड़ी बूटी का एक बैंक भी है। यहाँ थुनेर, आंवला, बहेड़ा, हरड़, यारसा गंबू, जटामासी, काकोली, कपूर और गुग्गल धूप सहित कई जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। इस अभयारण्य क्षेत्र से धौली और इलकी दो छोटी नदियाँ निकलती हैं, जबकि गोरी गंगा नदी इस अभयारण्य से होकर गुजरती है। यह अभयारण्य भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। इसे भारत के हरित स्वर्ग के रूप में भी जानते हैं।